दस। अभिनी, ये पेंसिल क्यों गिन रहे हो? इसे गिन करके डिब्बे में रखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इसमें से कुछ पेंसिलें मैं निकिता को दे दूं, जैसे कि ये 4 पेंसिलें मैं निकिता को दे दूं, तो क्या तुम ये बता सकते हो मैंने इन कुल 10 पेंसिलों में से कौन सा भाग निकिता को दे दिया? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, एक और चीज पूछते हैं, जैसे कि ये बताओ, ये एक चक्र है, इस चक्र को मैंने 8 भागों में विभाजित कर दिया है। देखिए, हरा लाल, हरा लाल, हरा लाल, हरा लाल। यदि इसको साधारण रूप से समझा जाए, बड़े ही सरल तरीके से, तो ये पाएंगे कि अगर एक हिस्सा इस संपूर्ण चक्र का कौन सा भाग हुआ? नहीं हाँ बताओ निकिता, पता। यह एक, जैसे अभी मैंने तुमको बताया, यह एक हिस्सा अर्थात एक हिस्सा लिखेंगे, एक भाग यानी कि संख्या एक लिखेंगे, और कुल कितने हिस्से थे आठ। इसमें? देखिए, कुल कितने हिस्से थे? आठ। 8। तो इन 8 हिस्सों का अर्थ हुआ, हम यहां पे कौन सी संख्या लिखेंगे? आठ। हाँ पूजा, यहां 8 ही लिखेंगे। इस प्रकार मैंने कौन सी संख्या लिखी? एक एक बटा बटे आठ। 8। 1/8। आठ। इसका क्या मतलब हुआ कि इस चक्र में एक विशेष भाग इस संपूर्ण चक्र का 1/8वां भाग है, यानी कि कुल संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हुआ 1/8। आठ। यदि हम 3 भाग छुपा दें, इन 3 भागों को छुपा दें, तो शेष रह गए 5। तीन, पांच, 3 नहीं, पांच, 5 शेष रहे, पर संपूर्ण कितने थे? आठ, आठ, 8 ही थे। तो हम इस भाग को कुछ इस तरह लिखेंगे, किस तरह? 3/8। तीन हाँ बटे आठ। बिल्कुल सही पूजा, 3/8। ठीक, तो इस तरह इस चक्र के भागों को हम लिख सकते हैं। अब निकिता, यदि मैं 5 भाग छुपा दूं, तो मैंने इस संपूर्ण चक्र की भागों में को कितने भाग निकाल लिए? भाई बड़ी सरल सी बात है, हम पुनः जैसे हमने ऐसे लिखा 3/8, वैसे ही लिखेंगे 8। 5/8। बिल्कुल सही पूजा। ठीक, एक अन्य पहेली मैं आपसे पूछता हूं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, या आप इसको पहेली कह सकते हैं। ये देखिए, ये तीसरी आकृति है, इसमें देखिए त्रिभुज बने हैं, ये कितने त्रिभुज हैं? चार, चार, 4 त्रिभुज हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4। तो इन 4 त्रिभुजों में यदि मैं बीच वाले त्रिभुज को, जो हरे रंग का है, छुपा दूं, तो मैंने कौन सा भाग छुपा दिया? कुल त्रिभुजों का, त्रिभुजों की कुल संख्याओं का मैंने कौन सा भाग छुपा दिया? 1/4। 1/4। 1/4। बड़ा सुंदर। ये तो हुआ साधारण रूप से,
निकालना। एक और तरीका है, उसमें यह है कि मैंने ये कहा कि इनमें से मैं दो भाग छुपाता हूं, तो कुल आप कहेंगे 2/4। हाँ हाँ, परंतु 2/4 तो सही नहीं होगा, पूरी रूप से सही नहीं होगा। सही तो होगा पर पूरा पूरा ठीक नहीं होगा। हम इसको कहेंगे दो के पहाड़े से एक बटा दो। हाँ फहद, बिल्कुल सही कहा तुमने, 1/2। यानी कि इस प्रकार से संख्याओं के भाग निकालने की दशा में यदि दो सम संख्याएं ऊपर नीचे लिखी गई हैं भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में, तो हम उनको हल करने का प्रयत्न करेंगे यदि वो हल हो जाती है। तो ये वास्तविकता में 2/4 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार के कई प्रश्न आम जिंदगी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि तुम्हारे पास 6 टॉफियां थी निकिता, मैंने उनमें से 2 टॉफियां फहद को दे दी, तो ये बताओ कि मैंने कितनी टॉफियां दे दी। ये तो नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे कौन सा भाग दे दिया, बताइए। 2/6। हाँ, 2/6 को हम हल करेंगे जैसे 1/3 2/6। तो 2 के पहाड़े से 2 × 2 हाँ 1/3। समझ में आ गया? हाँ।